नमस्कार जय हिंद, स्वागत है आपका ओनली न्यू नेशन में। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दाढ़ी पर कांग्रेस के द्वारा अभद्र टिप्पणी पर अपनी गुस्सा जाहिर की और उसका वीडियो आपको देख के हैरानी होगी कि वाकई में कांग्रेस पार्टी की सोच और जो एक नियति और सिद्धांत है वो कहां तक जा चुका है। आज कांग्रेस पार्टी के ही नेता, जो कि चंद्रशेखर कांग्रेस पार्टी के ही नेता रहे थे कभी और देश के प्रधानमंत्री थे, उन्हीं के बेटे ने कांग्रेस पार्टी पर ही ऐसे ऐसे आरोप लगा दिए जिसको देख के आपको यकीन हो जाएगा कि वाकई कांग्रेस पार्टी अब अपने समाप्ति के दौर पे है। नीरज शेखर ने कमेंट किया और कमेंट करते हुए यहां तक कह दिया कि अगर कांग्रेस पार्टी अपने आप को नहीं संभाल ली तो वो 402 से 44 आई है और 44 से अब घट के 4 सीटों पे आ जाएगी। सबसे पहले तो आप नीरज शेखर का ये बयान सुनिए, ये वीडियो देखिए। मित्र खड़े होकर हमारे प्रधानमंत्री के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं कि उन्होंने दाढ़ी बढ़ा ली, उन्होंने ये कर लिया। आपको उससे ये स्तर है आपके बोलने का? बंगाल में क्या हो रहा है आप कह रहे हैं कि हमारी, तो वीडियो आपने देखा, वीडियो में स्पष्ट तौर पे नीरज शेखर बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री के दाढ़ी पर कमेंट करने वाले लोग क्या चेहरा देखकर अंदाजा लगाएंगे कि देश का प्रधानमंत्री काम कैसे करता है। वाकई में देश के प्रधानमंत्री के काम को देखना है और समझना है तो अपने कार्यकाल में किए गए कामों का और आज के कामों का तुलना करके विश्लेषण करने की जरूरत है। कुछ लोग बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी तानाशाह है, क्या यह तानाशाही है? नीरज शेखर ने कहा, मैं बार बार सुन रहा हूं कि सरकार तानाशाह हो गई है, पीएम मोदी तानाशाह हो गए हैं। तो तानाशाही ये नहीं होती है, तानाशाही तो हमने अपनी आंखों से देखा है। 1975 में इमरजेंसी लगी थी, मेरे पिताजी 19 महीने तक जेल में रहे थे। तानाशाही यह थी कि कोई उनसे मिलने नहीं आया जब उस दौरान चंद्रशेखर जेल में थे। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा डर की वजह से परिवार से भी लोग दूर ही रहे। पूर्व पीएम नरसिम्हा राव जब पद से हटे, नरसिम्हा राव पर भी उन्होंने कहा कि नरसिम्हा राव जब पद से हटे तब उनके आवास से कांग्रेस मुख्यालय आधा किलोमीटर दूर था, लेकिन कोई भी कभी भी उनसे मिलने नहीं जाता था। यह तानाशाही है, देखिए वीडियो। तानाशाही ये होती है आदरणीय जयराम रमेश जी, 1975 में जब इमरजेंसी लगी थी हमारे पिताजी 19 महीने जेल में थे, और तानाशाही वो नहीं थी, जेल गए वो बात दूसरी है, 19 महीने हमसे कोई मिलने नहीं आया, एक आदमी डर के कोई मिलने नहीं आता था, ये तानाशाही होती है। तानाशाही ये होती है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय नरसिम्हा राव जी जब पद से हटे तो उनका घर कांग्रेस मुख्यालय से आधा किलोमीटर भी नहीं था, उनसे एक व्यक्ति नहीं मिलने जाता था, ये तानाशाही होती है। नीरज शेखर ने कहा कि कई दलों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया और अब यहां सदन में भाषण दे रहे हैं। किसानों को यह समझना चाहिए कि पंजाब हरियाणा में फिर से सरकार बनने के लिए यहां भाषण दे रहे हैं, उन्हें अब आपसे कोई संवेदना नहीं है। यानी कि विपक्षी पार्टियां सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही है और राजनीति के बहाने कटाक्ष किया जा रहा है, ऐसे अभद्र टिप्पणियां की जा रही हैं जिसको लेकर नीरज शेखर ने दुख जताया। उन्होंने कहा कि एक किसान दुखी होता है तो पीएम दुखी होते हैं, यानी कि आज का प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री को देश के किसानों की चिंता है, लेकिन विपक्षी दल पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि किसानों के आंदोलन के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तानाशाह करार दिए जाने पर उन्होंने कहा कि मेरे पिता और पूर्व पीएम के साथ चंद्रशेखर का उदाहरण दिया और उन्होंने कहा कि उनके साथ जो व्यवहार हुआ है उसको देखकर क्या लगता है, तानाशाही वो है। तानाशाही इमरजेंसी को शायद इस देश, यह देश कभी ना भूल पाए। इतना ही नहीं, नीरज शेखर ने यह भी कहा कि जिस तरीके से लोग बयान दे रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी एक चप्पल पहन के चलती हैं, चप्पल पहन के कोई महात्मा गांधी नहीं हो जाता है, वेशभूषा से कोई महात्मा गांधी नहीं हो जाता है और दाढ़ी रखने से कोई तानाशाह नहीं हो जाता है, यह पार्टी का अपना एजेंडा होता है और कांग्रेस पार्टी का आज एजेंडा पूरी तरीके से फेल है। पहले वीडियो देखिए, उसके बाद राहुल गांधी पे जो बयान दिया है उसको भी दिखाऊंगा, उसको देख के आपको बहुत आश्चर्य होगा। मुख्यमंत्री चप्पल पहनती, चप्पल पहनने से कोई महात्मा गांधी हो जाएगा? महात्मा गांधी बनने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा, कुर्बानी देनी पड़ेगी,
और हमारे प्रधानमंत्री, आपने वीडियो देखा, वीडियो में स्पष्ट तौर पे वो बोले, कहे कि चप्पल पहनने वालों कोई महात्मा गांधी नहीं हो जाता। दूसरी बात, उन्होंने बंगाल पे ही कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लागू किया किसानों के लिए, तो कुछ लोग बोलते हैं कि आयुष्मान भारत योजना जैसी योजना पहले से पश्चिम बंगाल में लागू है। तो मैं पूछता हूं कि अगर आयुष्मान भारत योजना जैसी योजना से अगर 5 लाख रुपए मिल रहा है, तो 5 लाख केंद्र की तरफ से और मिल जाता है, यानी किसानों को अगर 10 लाख 5 लाख की जगह मिल जाता है, इसमें ममता बनर्जी को क्या दुख है, या ममता बनर्जी को कौन सी परेशानी हो रही है? अगर किसानों का विकास हो रहा है, अगर वाकई में इस मायने में अगर किसानों की तरक्की और विकास देखना चाहती हैं, तो शायद प्रधानमंत्री के द्वारा दिए गए कोष को भी आपको अपना लेना चाहिए और किसानों को बांट देना चाहिए। चीज में मैं, आयुष्मान भारत वहां क्यों नहीं लगाया बंगाल में, क्यों नहीं लागू किया गया? मैं चाहूंगा कि वो कह रहे हैं कि हमारा पहले से है बंगाल में, कोई योजना उनकी पहले से चल रही है, तो इसको भी जोड़ लीजिए, केंद्र की भी योजना जोड़ लीजिए। आप दीजिए ये 5 लाख की जगह 10 लाख दीजिए वहां के लोगों को। दूसरी बात यह है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव आने वाले हैं, और चुनाव के मद्देनजर रखते हुए जिस तरीके से राजनीति हो रही है, जो प्रश्न चिन्ह उठाए जा रहे हैं, ये स्पष्ट करते हैं कि कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ किसानों की बात नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रही है, और उसी राजनीति पे कांग्रेस और ममता बनर्जी कायम है। अब ये वीडियो देखिए, जिस वीडियो में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गुलाम नबी आजाद जी, दिग्विजय सिंह जी, जयराम रमेश जी और वो तमाम लोग जो संसद भवन को छोड़ के चले गए हैं, राज्यसभा के राष्ट्रपति अभिभाषण को छोड़ के बाहर चले गए हैं, उन सब पे से मैं प्रश्न करना चाहता हूं, सबसे कहना चाहता हूं कि निर्णय ले, वरना 425 से 40 पर गए, अब 5 सीट पर आज पहुंच जाएंगे, यानी कि राहुल गांधी को अब भी हटा दो, राहुल गांधी के निर्णय पे मत रहो। उन्होंने स्पष्ट तौर पर राहुल गांधी पे कटाक्ष किया और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जैसे नेता कांग्रेस को 5 सीटों पर ला देंगे, इसलिए अभी भी समय है कि सुधर जाओ, वरना कांग्रेस मुक्त भारत, कहीं ना कहीं एक संकेत दिया जिस तरीके से कांग्रेस मुक्त भारत का बीजेपी कल्पना करती है, वो कहीं ना कहीं पूरी होती दिख रही है। देखिए वीडियो का, जो आपके युवराज हैं उनके कहने पे चलेंगे तो पार्टी 415 से 40 से पहुंचाएगी, अगली बार 5 पे पहुंच जाएगी। इसलिए अपने जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी बात सुनिए, हमारे नेता ने लगातार किसानों के लिए काम किया है। तो आपने वीडियो देखा, वीडियो में किस तरीके से काफी एग्रेसिव मोड में नीरज शेखर, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कई आरोप लगाए, धनाधन आरोप लगाए, लेकिन सबसे बड़ा आरोप यही था कि कांग्रेस पार्टी अभी भी संभल जाए, ओछी हरकतें, ओछी टिप्पणी, ये सब देना बंद करे। इसी बीच एक खबर आई है कि सचिन तेंदुलकर, जो कि वो भी कभी राज्यसभा के सांसद थे, कांग्रेस पार्टी से ही थे, उन्होंने जब भारत के विरोध में पड़ोसी मुल्कों से, विदेशों से कुछ ट्वीट आए जिसमें भारत की संप्रभुता की याद दिला रहे थे, उस पे सचिन तेंदुलकर ने स्पष्ट कहा कि भारत अपने निजी मामलों में बात करने के लिए तैयार है और भारतीय संप्रभुता से खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा किसी को, पड़ोसी मुल्क के किसी भी स्टार को भारत के अंदरूनी मामलों में बोलने का कोई अधिकार नहीं है, और इसी मामले में ट्वीट किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता इस हद तक गुजर गए कि जहां भारत की जो बात कर रहा था सचिन तेंदुलकर, उनके पोस्टर्स लगा के उन पर कालिख पोती गई। सचिन तेंदुलकर जिस पे कभी गर्व करता है, देश पूरा देश गर्व करता है कि क्रिकेट का भगवान माना जाता है, उस सचिन तेंदुलकर के पोस्टर्स लगाए गए, उनके चेहरे पे कालिख पोती गई और सचिन तेंदुलकर मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, तस्वीरें आपके सामने हैं। और उससे भी बड़ी बात, फेसबुक, ट्विटर, इन सब जगहों पे उटपटांग कमेंट्स आ रहे हैं, उटपटांग ट्वीट्स आ रहे हैं, राहुल गांधी के ये लोग हैं, कैसी राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है। तो नीरज शेखर का हमने आपको वीडियोस दिखाए, कई क्लिप्स दिखाए, जिसमें राज्यसभा में उन्होंने और भी कई विषयों पे अपनी बात रखी। इसमें एक बड़ी बात और उन्होंने कही कि कश्मीर के आज जो हालात हैं, वो कहीं ना कहीं देश के लिए गर्व करने की बात है, और एक समय था जब कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बार बार हमको बोलना पड़ता था। अगर देश का अभिन्न अंग है कश्मीर, तो उत्तर प्रदेश को तो कोई नहीं बोलता कि भारत का अभिन्न अंग है, बिहार को कोई अभिन्न अंग नहीं बोलता है, लेकिन कश्मीर को इसलिए बोलता है क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं रहता था कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं है। लेकिन आज 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर पूरी तरीके से भारत का अभिन्न अंग हो चुका है, और अब इस शब्द को दोहराने की आवश्यकता नहीं होती। आज कश्मीर में सड़क बन रही है, आज कश्मीर में विकास हो रहा है, आज कश्मीर में
वो सारी चीजें हो रही है जो पहले कभी नहीं होती थी। घर, सड़क, योजनाएं, जीवन स्तर, अभी सब कुछ सुधरा है कश्मीर में। और आज लद्दाख में यूनिवर्सिटी बन रही है, लद्दाख भी अपने तरीके से डेवलप कर रहा है। यही तो है आज का भारत। 370 धारा जो हटी है, मेरा मानना है कि सबसे अच्छा काम पिछले कई सालों में हुआ है। इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं व्यक्तिगत रूप से, हो सकता है ये मेरा मन है, क्योंकि जब भी हम भाषण देते थे उसके पहले हम लोग बार बार ये बात दोहरानी पड़ती थी कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। ये क्या मतलब है भाई? पहले भी अभिन्न अंग था, आज भी था, लेकिन हम लोग पहले बोलते थे क्योंकि हमारे मन में कोई शंका थी कि वो अंग नहीं है हमारा। इन तमाम विषयों पर नीरज शेखर ने कहा, उनका ये बयान भी ले लीजिए। ये चीजें देख के लगता है कि जो बयान आए नीरज शेखर के, कहीं ना कहीं इस पर सोचने को मजबूर होगा देश। और मैं चाहता हूं कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी प्रतिक्रिया लिखिए इन सब चीजों पे, खासतौर से मोदी के दाढ़ी पर कमेंट करने वाले लोगों को ये सोचना चाहिए कि दाढ़ी गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी रखा था। किसी के पहनावे, किसी की वेशभूषा पर आप ऐसे कटाक्ष करते हैं। दाढ़ी इस देश के सन्यासी भी रखते हैं, और हमारे सनातन संस्कृति में दाढ़ी को सम्मान से देखा जाता है, न कि अपमान से देखा जाता है। शायद इटली वाले उसको नहीं समझ पाएंगे। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ये बात और लोगों तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही है मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, अब तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन, हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर।